9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उत्तराखंड। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये है टॉप रैंकर फॉर यू का प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप बेस बुक, बेस स्कूल्स, टॉपर लिस्ट, टॉप कॉलेज, करियर से रिलेटेड कोई भी चीजें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप केवल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टॉप रैंकर फॉर यू कोई एडवाइस नहीं देता। आशा करते हैं कि हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए बात करते हैं 9th पोजीशन पर ऋषिकुल गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। मेरे दोस्तों, यह जो कॉलेज है, बेसिकली यहाँ पे बहुत ओपीडी एंड पेशेंट फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड की जाती है और ए वेरी लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। यह एक अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज है। और इसके बाद 8th पोजिशन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो जो मोती राम बाबूराम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो नैनीताल रोड पे पड़ता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो रेटिंग देख सकते हैं, कॉलेज दुनिया की 3 out of 5, फेसबुक की 4.3 out of 5। और ये एक अच्छा कॉलेज है जो कि नैनीताल में पड़ता है मेरे दोस्तों, और 1960 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 पे आता है जो कॉलेज, उसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुना उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और यह जो है देहरादून में पड़ता है, और 2014 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह कॉलेज का अपग्रेड देख सकते हैं, रियली एक अच्छा कॉलेज है। ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। 6th पोजीशन पे बात कर लेते हैं, तो 6th पोजीशन पे जो कॉलेज आता है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून, जो कि देहरादून में ही पड़ता है, UGC के थ्रू अप्रिविएटेड है, और 2009 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। रिव्यू की बात कर लें तो जस्ट डायल ने 3.8 out of 5 दिया है, और यह जो है सिचुएटेड है नियर बाई रेलवे स्टेशन हरावाला, और यह कॉलेज की बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, रियली अच्छा कॉलेज है। 2009 में बना था यह कॉलेज। 5th पोजीशन पे कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो वीर चंद्रा सिंह गरवाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, यह कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज जो कि गरवाल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर उत्तराखंड में पड़ता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। NEET UG के थ्रू इसका एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। रिव्यू जो है 3.5 out of 5, करियर 360 ने दिया है, और यह कॉलेज का रियली बिल्डिंग है, और देख सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। इसके बाद 4th पोजिशन पे आता है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह पंत नगर उत्तराखंड में पड़ता है, और इस कॉलेज से सुधांशु त्रिवेदी, बाबा सहगल, विनीत नायर, शांतनु गुप्ता, इस्लामी के सिद्दकी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़े थे, और यह कॉलेज जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में बनवाया था, और यह उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 3rd पोजीशन पे गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज, जो कि देहरादून में ही पड़ता उत्तराखंड में, NEET UG के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस कॉलेज करियर 360 ने 3.5 out of 5 दिया है, और यह कॉलेज जो है एक अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है, और यह कॉलेज का आप गेट देख सकते हैं, और रियली बता रहे हैं आप रोड से ही इस कॉलेज को देख सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 पे जो कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, और जो कि यह नैनीताल हल्द्वानी उत्तराखंड के पास है, और 1997 में कॉलेज बना हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज, और रियली इसका कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। और रिव्यू की बात करें तो कॉलेज दुनिया ने 4 out of 5 और करियर 360 ने 4 out of 5 दिया है। तो नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो कॉलेज है, आपको सबको पता ही होगा कि अभी हाल ही में बना हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, और यह कॉलेज जो है 2012 में बना था, और एम्स MBBS और एम्स नर्सिंग की एग्जाम देकर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 4.1 जो फेसबुक ने रेटिंग दी है, वहाँ के पब्लिक ने दिया है, यह वंडरफुल लोकेशन इसका है, रियली बहुत अच्छा है, और यहाँ के डॉक्टर तो आप जानते ही हैं, इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर एम्स में होते हैं। क्वालिटी के मामले में, फैसिलिटी के मामले में, चाहे सर्विस हो, बहुत ही अच्छा है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, वैसे टॉप रैंकर फॉर यू पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बेल का आप बटन दबाना ना भूलें मेरे दोस्तों, जैसे वीडियो कोई अपलोड होगी तो आपको नया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अगर मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।